মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে পাহাড়ে ফিরলেন অনিত থাপা। পাহাড়ের উন্নয়ন, কর্মী নিয়োগ, দফতর হস্তান্তরকরণ ও পাট্টা সহ একাধিক বিষয় নিয়ে কলকাতায় তিন দিনের সফরে গিয়েছিলেন অনিত থাপা, জিটিএ বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, বোর্ডের প্রতিনিধি দল। তিন দিনের এই কলকাতা সফরে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেন অনিত থাপা। এরপর কলকাতা সফর সেরে শুক্রবার দার্জিলিং মেলে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছন অনিত। এদিন স্টেশনে পৌঁছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কলকাতায় গিয়ে একাধিক বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। রাজ্যে যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে সেই সময় পাহাড়েও নির্বাচন হবে, তবে পাট্টা বিলি আমাদের লক্ষ্য ছিল। আমরা নির্বাচনে আশ্বাস দিয়েছিলাম ক্ষমতায় আসলে পাট্টা বিলি করব পাহাড়বাসীকে। 80% পাহাড়বাসীর কাছে জমির অধিকার নেই, এবার সেই কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি তিনি আরো জানান, এদিন থেকে পাহাড়ের বাসিন্দাদের জন্য পাট্টা ও জমির অধিকার নিয়ে কাজ শুরু হবে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী পাহাড় সফরে এসে নিজের হাতে পাহাড়বাসীদের পাট্টা তুলে দেবেন। जो भी इस बार हम लोग जीटीए का स्ट्रेंथनिंग के लिए, जीटीए का पॉलिसी के लिए बात करने गया था मुख्यमंत्री के साथ, और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी ऑफिशियली बोले मेरा बात हुआ। और मेन हम लोगों का जो इश्यूज था अभी तक, लैंड राइट इश्यूज, जो टी गार्डन का और कालीमुंड डीआई फंड का, और बहुत साल सा पुराना डिमांड था जो हम लोगों ने इलेक्शन टाइम में आदमी लोगों को कमिट किया था कि हम लोग ग्राइंडर दिलाकर छोड़ देंगे। सो इस बार ये इश्यू सक्सेस हो गया और ये पहाड़ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि हम लोगों का मतलब आदमी लोग 80% आदमी के पास लैंड का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लैंडलेस डॉक्यूमेंट, लैंड का डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो इस बार गवर्नमेंट ने माइंड बनाया कि दे अग्री टू गिव अ लैंड राइट डॉक्यूमेंट्स। सो पहाड़ के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कोई भी नहीं होगा। कब से शुरू होगा ये? मतलब आज से का टी गार्डन में सर्विस शुरू होगा, और शायद इस सीएम का विजिट जब सिलगुड़ी में होगा उस टाइम ये पट्टा भी मिलेगा उन लोगों को। उन लोगों का ड्यूटी वो लोग करना पड़ेगा, जो जिसका जो अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सो मैं स्टेट सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सो मैं स्टेट के मतलब लोग साथ रिलेशन बनाकर सब चीज़ ला कर आया। जो जो इश्यू लेकर, जो जिस इश्यू में लड़ा, वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर वो लोग लेकर आना पड़ेगा। तो मेरा काम तो मैं कर रहा हूँ। देखिए, पंचायती व्यवस्था मैंने ले, लैंड राइट इश्यूज था वो वापस आ गया, घर घर में पानी मिल रहा है, हेल्थ सेक्टर्स देखिए आगे जा रहा है, मिरिक सब डिवीजन, मिरिक ब्लॉक सब डिवीजन, वैसे करसेंग सब डिवीजन हॉस्पिटल, दादालेशन होगा जब वेस्ट बंगाल का पंचायत इलेक्शन होगा तब पहाड़ में भी होगा, एक ही साथ होगा। এছাড়াও তিনি জানান, গোর্খাল্যান্ড নিয়ে তার এখনই কোনো ভাবনা নেই, এখন শুধু পাহাড়ের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে চান তিনি। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।